कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का ये रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछले भाग में आपने सुना, पृथ्वी पर विध्वंस और प्रलय के बाद जब जल प्रवाह कम हो जाता है तब मनु अपने आप को अकेला और असहाय पाता है। तभी चिंता प्रकट होती है और मनु के चेतन और अवचेतन को झकझोरती है, एहसास दिलाती है कि ये सब देवताओं के अहम, दंभ और विलासिता का परिणाम है। मनु पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए इतना विचलित हो जाता है कि उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। मनु चिर निद्रा यानी मृत्यु का आह्वान करता है। तो लीजिए आगे सुनिए कामायनी भाग दो। के बादल छट गए, सुनहरे तीरों की वर्षा करते हुए ऊषा उदित हो रही है। चारों ओर नया आलोक फैलने लगा है। महान आश्चर्य। कौन? मैं कौन? मैं कौन? मैं ये मैं क्या देख सुन रहा हूं? लगता है जैसे मेरे चारों ओर विश्वदेव, सविता, सोम, वायु, वरुण सभी नृत्य कर रहे हैं। ये प्रकृति के शक्ति चिन्ह हैं। किंतु कितने निर्बल सिद्ध हुए। प्रलय में इन शक्तियों की कितनी दुर्दशा हो रही थी। सभी विवश और निरुपाय होकर घूम रहे थे। परंतु ये सब तो देवता। नहीं नहीं, देव न थे हम और न ये हैं। सब परिवर्तन के पुतले हैं। अहंकार के रथ में भले ही कोई तुरंग की भांति, बेलगाम घोड़े की भांति जुतता रहे, सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब स्वीकार करते यहां? कौन मैं? मैं जीवन, 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 जीवन। मैं हूं जीवन। मैं हूं जीवन की ये पुकार एक वरदान की भांति मेरे कानों में क्यों गूंज रही है? मुझे
मुझे जीना चाहिए। मैं इस सृष्टि में रहूं, यही तो फिर क्या मैं जीऊं और भी? जीकर क्या करना होगा? जीकर क्या करना होगा? जीकर क्या करना होगा? देखो जीकर क्या करना, इधर उधर सब ओर देखो, दूर दूर तक प्रकृति की हरियाली का आनंद लो। उधर उधर देखो, हिमालय की उस गुफा की ओर देखो, उसे अपना निवास स्थान बनाओ, पाक यज्ञ आरंभ करो, आहुतियों से नभ कानन को समृद्ध करो। यज्ञ तो मैं नित्य ही कर रहा हूं, किंतु मेरे भीतर जो अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा। श्रीम, एक आशा है जो मुझे नित्य नई दिशा की ओर ले जा रही है। मैं यज्ञ के उपरांत शेष बचा हुआ अन्न यहां से कुछ दूरी पर इस आशा से रखाता हूं कि संभव है कोई प्राणी मेरी भांति जीवित बचाओ और वो इसे ग्रहण कर ले। किंतु अभी तो कहीं कोई आभास नहीं। कब तक और अकेले? कह दो, है मेरे जीवन, बोलो, किसे सुनाऊं कथा? अरे कौन हो तुम? हाँ? अपनी आभा से इस निर्जन में किसका अभिषेक कर रहे हो? तुम कोई सुलझा हुआ रहस्य हो अथवा चंचल मन का आलस्य? अरे ये नीला चर्मांबर पहने कौन है? नीले परिधान के बीच इसका हाथ खुला अंग ऐसा लगता है जैसे मेघों के बीच बिजली का फूल खिला हो। मुख को घेरे हुए कंधों तक लटकते घुंघराले बाल लगता है जैसे चंद्रमा के पास बादलों के शिशु सुधा पान करने के लिए आतुर हो। इसके सौंदर्य के लिए कितनी उपमाएं दूं? अब क्यों ना पहले इससे इसका परिचय प्राप्त कर लूं? देवी, कौन हो तुम? इस नीरस पतझड़ में क्या तुम बसंत की दूत हो? घने अंधकार के बीच क्या तुम चपला की रेखा हो? तपन में शीतल मंद बयार हो या तुम कल्पना की लघु लहर ही हो जो हृदय की हलचल को शांत करने के लिए आई हो? मैं गंधर्व देश की निवासिनी हूं, अपने पिता की प्यारी संतान हूं। मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने का मेरे मन में बहुत उत्साह है।
मुक्त गगन के नीचे घूमने का अभ्यास है मुझे। सो मैं इधर चली आई। विराट प्रकृति के अनंत और स्वच्छंद सौंदर्य को देखकर मेरा मन उत्साहित हुआ। पग उठे और मैं चली आई। यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तुम्हारा अनुमान सत्य निकला देवी, मैं भी एकाकी जीवन लिए किसी के जीवित रहने का अनुमान करता रहा हूं। तपस्वी, तुम इतने व्यग्र क्यों हो? ये वेदना का वेग क्यों? इतने हताश क्यों हो? कहीं तुम्हारा त्याग ही तो तुम्हें नहीं ठग रहा? अज्ञात जटिलताओं का अनुमान करके भविष्यत से अनजान रहकर तुम कहीं काम से तो नहीं झिझक रहे? कदाचित तुम ठीक कह रही हो। मेरे मन में अनेक प्रश्न और संदेह प्रश्नों और संदेहों के घेरे से बाहर निकलो। काम तो कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है। ये तो सृष्टि का मूल है। तुम भूल रहे हो, उसका तिरस्कार कर तुम इस भवधाम को असफलता की ओर ले जा रहे हो। परंतु मत भूलो कि दुख की रात्रि की अंतिम घड़ियों में सुख का नूतन प्रभात खिलता है। और देखो, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वो रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। देवी, तुम्हारे मधुर वचन मन में नवीन उत्साह जगाते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय है ये मैंने देख लिया है। ये जीवन सफलताओं का कल्पित भवन है, परिणाम तो इसका निराशा ही है। अरे, तुम इतनी अधीर क्यों हो रहे हो? जिसको वीर पुरुष मर कर भी जीतते हैं, तुम उसी जीवन के दांव को हार बैठे? केवल तप ही जीवन का सत्य नहीं है। तुम्हारा ये करुणा और दीनता से भरा विषाद क्षणिक है। आकांक्षा और आशा का आह्लाद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये तप, ये यज्ञ, ये आहुतियां, क्या सब कुछ अर्थहीन है? युग युगांतर से चला आ रहा। सुनो मनु, ये बासी फूल प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकते। धूल उत्सुकता से इनकी राह निहार रही है, ये शीघ्र ही उसमें जा मिलेंगे। प्रकृति पुरातनता के केंचुल को एक क्षण भी सहन नहीं करती है। नित्य नूतनता का आनंद ही परिवर्तन का आधार है। मैं एक अकेला, हो, मैं भी कैसा विचित्र हूं। देवी, तुम्हें किस नाम से संबोधित करूं? मेरा नाम श्रद्धा है। तुम कहते हो एक अकेला। वही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूं। ये विस्तृत भूखंड प्रकृति के अनंत वैभव से भरा है। तुम हो एक अकेले। कैसे भोग पाओगे इस वैभव को?
तुम अकेले यज्ञ भी कैसे कर पाओगे? कर्म और भोग, भोग और कर्म, ये एक क्रम है सृष्टि का। तपस्वी, याद रखो, जो आकर्षण से हीन है वो आत्मविस्तार नहीं कर सकता। किंतु जीवन का ये बोझ श्रद्धे अपने ही बोझ से दबे जा रहे हो, कहीं किसी सहारे की खोज करो। कौन कौन है जो? मैं हूं। हाँ? मैं हूं तुम्हारा सहारा, तुम्हारी सहचर बनकर शीघ्र ही मैं व्यक्ति पर व्यक्ति के ऋण से मुक्त होना चाहती हूं। क्या सोचने लगे, मौन क्यों हो गए तुम? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है जो तुम्हें रह रह कर कचोट रहा है। श्रद्धे, मैं अतीत की ओर मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे इस पृथ्वी और आकाश के बीच में निरुपाय सा खड़ा हूं मैं तो इस शून्य में एक असहाय भ्रांत उल्का की भांति भटक रहा। मैं एक ऐसा अभागा हिमखंड हूं जो पर्वत से तो निकला किंतु निर्झर तक नहीं बन पाया। मेरे भाग्य में ये लिखा ही नहीं था कि मैं जलधारा की भांति समुद्र के अंक में जा समाता। सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान बने हो। आश्चर्य होता है मुझे तुम पर। मैं पहेली जो ठहरा, पहेली, मेरा जीवन एक पहेली बनकर रह गया है, उसे सुलझाने का मिथ्या अभिमान कर रहा हूं मैं एक अनजाने पथ पर चल रहा हूं जो मुझे विस्मृति की ओर ले जा रहा है। लगता है मैं अपने आप को ही भूलता जा रहा हूं। मैं जड़ता की जीवन राशि हूं श्रद्धे, जड़ता की जीवन राशि। अरे, तुम तो तपस्वी हो, फिर जड़ता कैसी? अपने भीतर छिपी चेतना को जगाओ और देखो, देखो कि ये विश्व, ये महान विश्व विषमता की पीड़ा से व्यथित है। तुम इस विषमता को दूर करो, तुम समरसता के अधिकार की चेतना को जगाओ। श्रद्धे, श्रद्धे, तुम्हारे ये वचन मुझ में एक उत्साह की तरंग उठा रहे हैं। क्या सचमुच मैं कुछ दे सकूंगा विश्व को? क्यों नहीं मनु, क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं सेवा का सार तुम्हें समर्पित करती हूं। सेवा आंसुओं से भीगे विश्व के लिए पतवार के समान है। आज से मेरा ये जीवन निर्विकार भाव से तुम्हारे चरणों की भेंट है। क्या मैं इसके योग्य हूं? क्या ये भार मैं वहन कर सकूंगा? आज मैं तुमको दया, माया, ममता सब कुछ दे रही हूं। श्रद्धे, तुम्हारे ये शब्द मुझे उलझन में डाल रहे हैं। इन भारी भरकम शब्दों का बोझ मुझ दुर्बल पर मत लादो। मनु, तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें दीन और असहाय जानकर तुम पर दया कर रही हूं। नहीं,
दया का संकुचित अर्थ मत लो। मैं तुम पर तरस नहीं खा रही। अभी तक तुमने प्रलय की कठोरता देखी है। मैं तुम्हें सुकुमारता प्रदान करूंगी। माया कोई जाल या षड्यंत्र नहीं है, ये जीवन जीने की युक्ति है, जिसे प्राप्त कर तुम्हारे हुए जीवन के दांव को जीत सकोगे। रही बात ममता की, सो ये कोई स्वार्थ नहीं है, अपने मन की भावना है जो मैंने तुम पर व्यक्त की है। ममता तो आत्मनिर्भरता का नाम है मनु। तब तो मैं धन्य हुआ देवी। मैं तुम्हें जीवन की संपूर्ण मधुरिमा, अगाध विश्वास प्रदान करती हूँ। मेरा ये हृदय स्वच्छ रत्न निधि के समान तुम्हारे लिए सदा ही उन्मुक्त रहेगा। तुम सदैव इसकी निकटता का अनुभव करोगे। तब तो मेरा ये व्यक्तित्व। हाँ मनु, हाँ, मैं तुम्हारे व्यक्तित्व के विस्तार की कामना करती हूँ। तुम सृष्टि के मूल रहस्य बनो। तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता की ऊर्जा है, तुम ही से संस्कृति की बेल फैलेगी, फलेगी, फूलेगी। उठो, तुम सुमन के सुंदर खेल खेलो, जिससे समस्त विश्व सुगंधित हो उठे। उठो उठो मनु, उठो, विजयी बनो, विजयी बनो, विजयी बनो। ओ, ये क्या, तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धे श्रद्धे, जाने क्यों मेरा हृदय एक अनजाने भय से कांप रहा है। मनु, तुम तो अमृत पुत्र हो, तुम्हें भय किस बात का? देखो देखो तो, एक मंगलकारी विकास तुम्हारे सामने है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन आकर्षण का केंद्र है, उसे पहचानो और देखो कि विश्व की समस्त समृद्धियां तुम्हारी ओर खींची चली आएंगी। समृद्ध तो देव जाति भी थी, पर हुआ क्या? समृद्धि के दुरुपयोग का जो परिणाम होता है वही हुआ। किंतु तुम मनु, तुम उन असफलताओं की ओर ध्यान मत दो। देखो देखो कि देव असफलताओं की ये ध्वंसावशेष आज प्रचुर उपकरण जुटाकर तुम्हारे सामने है। उस ध्वंस से शिक्षा लो, वही मानव की विशेष संपत्ति बन गया है। अपनी चेतना को जगाओ, जगाओ। मैं कामना करती हूं कि तुम्हारे मन का चेतन राजपूर्ण हो। हो श्रद्धे, कितना कुछ दान इस अकिंचन की झोली में भर रही हो तुम। चेतना का इतिहास बहुत ही सुंदर है मनु। विश्व के मानव समुदाय के भावों का सत्य है चेतना का इतिहास। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं, मेरी कामना और मेरा विश्वास है कि चेतना का ये इतिहास विश्व के हृदय पटल पर
सदा सदा के लिए दिव्य अक्षरों में अंकित हो जाएगा। और ये सागर, ये ग्रहों का पुंज, ये ज्वालामुखियां, ये सब जो मनु मनु, तुम्हारा इनसे छुटकारा क्यों नहीं हो पा रहा? अगाध विश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ो मनु। इस समस्त भूतल पर, समस्त भूतल पर विधाता की कल्याणी सृष्टि अवश्य सफल होगी, चाहे कितना भी भयानक दृश्य क्यों ना उपस्थित हो जाए। भले ही सागर पट जाए, गृहपुंज टूट कर बिखर जाए, ज्वालामुखी पर्वत चूर चूर होने लगे, लेकिन मानवता आनंद पूर्वक इन सब आपदाओं को चिंगारी समझकर कुचल देगी। क्या सचमुच ऐसा संभव है? चेतना के आगे असंभव कुछ नहीं है मनु। शक्ति का क्रीड़ामय संचार पराजय के बढ़ते व्यापार को विजय की मुस्कान में बदल देगा। आओ आओ मनु, हम संकल्प करें। शक्ति के जो विद्युत कण निरुपाय होकर बिखर गए हैं, मानवता उनका समन्वय करे। आओ आओ मनु, हम कहें मानवता विजयनी हो जाए। मानवता विजयनी हो जाए। मानवता विजयनी हो जाए। मानवता विजयनी हो जाए। कामायनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का दूसरा भाग सुन रही थी। रूपांतरकार और निर्देशक थी विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता नवीन, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, ध्वनि अंकन केएन जोशी, निर्माण प्रबंध प्रियंका। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू और प्रतिभा शर्मा।